दोस्तों देखिए इधर से मेरी धर्मपत्नी की हालत कितनी गंभीर हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बुखार भी है थोड़ा सा शायद। ऐसे कब तक चलेगा? 3 दिन हो गए जब से इसने भाई का सुना, तब से ना कुछ खा रही ना पी रही ना किसी काम में इसका मन लग रहा ना कुछ। अब वो ऐसा थोड़ी चलेगा, लो चाय चाय और ये थोड़ा सा चूड़ा है, काली चाय और चूड़ा लो थोड़ा खा लो। उधर भाई भी इतना टेंशन में है, आप भी टेंशन में रहोगे फिर आपका टेंशन और भाई ले लेगा, सोना परेशानी में और आ जाएगा, ऐसा मत करो ना जी। और अभी कैसा है आपकी स्थिति भी टेंशन लेने की नहीं है को, और ना अभी आप कहीं जा पाओगे मायके वगैरह, डॉक्टर ने अभी जाने को आपको मना भी किया है ना। फिर कैसा है ये तो आना जाना सब लगा ही रहता है, लेकिन संसार रुक थोड़ी जाता, जो चलता है तो चलने देना पड़ता नहीं। चलो जल्दी से थोड़ा सा चाय वगैरह ले लो, चाय चूड़ा, और उठो अपने काम में लगो। उधर भी पहले ही तुम्हारे उधर के घर की परेशानी है, फिर इधर और आप टेंशन ले लोगे और दिक्कत जाएगी। उधर सोना और अंजलि भी तो सब हैंडल कर रहे हैं ना, अपने को भी तो मिल के सब हैंडल करना है। उठो चलो काम पे लगो, जल्दी चलो उठो ना, लो ना जल्दी चाय। फिर लगे तो थोड़ा सा आप बुखार सा है तो दवाखाने में दिखा भी देंगे। उठो जल्दी करो। दोस्तों उधर से आए हम ये घर की तरफ आए, इधर काम तो हमारा बंद ही है, कोई लेबर मिस्त्री तो आए नहीं, और इधर से भी आने के बाद ताकि हमारी धर्म पत्नी की थोड़ी तबीयत ठीक लगे, वहाँ कैसा वातावरण थोड़ा ये रहता तो यहाँ आए थोड़ा ठंडा लगेगा अच्छा लगेगा। तो इधर से थोड़ा सा तरबूज वगैरह फल वगैरह भी लिया, और इधर से मेरी धर्म पत्नी अभी आराम कर रही है। उठो ना जी तरबूज वगैरह खा लो, उठो, अच्छा नहीं लग रहा अच्छा नहीं लग रहा, उठो ना अभी बस हो गया ना, चलो थोड़ा बाहर जो है जाके आएंगे घूम के आएंगे, चले नहीं मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा ठीक उठ जाओ तरबूज खा लो, उठो पानी वानी भी मांगना है। दोस्तों देखिए ये अभी भी दुख से बाहर नहीं निकली, भाई का वीडियो देख रही है और इधर फिर रो रही है। दोस्तों देखिए फिर से भाई का वीडियो देखकर फिर से बड़ी रोने लग गई, परेशान हो गई। अभी ये वीडियो मत देखो बाबू, कम से कम अपना बाबू का तो ख्याल रखो, ऐसे रोने धोने से थोड़ी चलेगा। ये तो क्या है, ये संसार की रीत है, जो आया वो तो जाना ही है, तो जाना रखो वीडियो बस करो। देखो वीडियो देखती जा रही है और रोती जा रही है, क्या करना दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब इसमें क्या समझा, कम से कम अपने अभी बच्चे का तो ख्याल रखो। चलो उठो जल्दी करो। तो दोस्तों मैंने कैसे तो भी इसको बहुत समझाया, उसके बाद थोड़ा सा फल वगैरह भी इसने खाया, खाना वगैरह खाया, अभी थोड़ी इसकी हालत ठीक है। पर फिर भी कैसा घर की याद बहुत आ रही, बोलती बार बार घर जाना है घर जाना है। तो कैसा है जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे हम, आज कैसा 15-20 दिन के बाद ये तो अपन चले जाएंगे, तो फिर भाई वगैरह आएगा तो फिर चले जाएंगे। पर ऐसे रो धो के थोड़ी चलेगा, थोड़ा सा तो अपने काम में लगना पड़ेगा ना। 3-4 दिन हो गए आप वही बस रो जा रहे रो जा रहे, उठो अभी थोड़ा सा और पानी वानी पी। तो बाबू सुनो ना अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों घर में सब आए हुए हैं, बस मैं यहाँ हूँ, ऑर्गेनाइज जी मुझे लेके नहीं जा रहे। मैं लेके जा रहा हूँ, पता कर लो, मैं लेके जा रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ 15 दिन के बाद। इस समय मुझे वहाँ होना चाहिए था, भाई आएगा ना या फिर मैं चलूंगा।
छोटा भाई मुझे बोला कि मुझे मेरे लिए नागपुर से बिमला तुलसी ला देना। मैं बोली इसीलिए मैं जल्दी जल्दी घर का काम कर रही थी, बोली मैं स्त्री स्त्री अगर लग जाए तो फिर मैं उधर चली जाऊँ। स्त्रियों ने धोखा दे दिया, नहीं तो अभी तक हम यहाँ रहते थे, कब से चले भी जाना था, फिर क्या करें। तो मिस्त्री लोग अभी भी नहीं आ रहे ना, समय मुझे वहाँ होना चाहिए और मैं यहाँ हूँ। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार मैं इसको पूरा दिन वही बोलती, मुझे पहुँचा दीजिए। ये बार बार वही बोलते कि इस हालत में मैं आपको नहीं ले जा सकता और आपके चलते मैं भी नहीं जा सकती। क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर भगवान साथ है तो कुछ नहीं होता, वो हमारा अपना है ना। अपनों में क्या नियम धर्म। चलेंगे भाई, 15 दिन रुक जाओ, या तो फिर अपन चलेंगे तो फिर भाई आएगा, चले जाना। क्या करेंगे, सिचुएशन ऐसी हो गई कि कुछ कर ही नहीं पा रहे। मैं उसे आखिरी बार भी नहीं देख पा। देखिए अभी वीडियो बनाने का तो कोई रीज़न नहीं था, पर क्या करें, ऐसे ऐसे ही बनाना था। अभी आप शांत रहो और दोस्तों आप भी समझाइए कि इसे इस हालत में ऐसा टेंशन नहीं लेना चाहिए। क्या करें, बहुत टेंशन ले रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। साथ बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय जय।